Hi guys, welcome back. This is now lecture 3 that is in the series of the revision videos that we all are doing. Hum log chapter number 2 pe the in the last lecture. Chapter number 2 CVP analysis. Uska hum logon ne basics kar liya hai, normal distribution wala part bhi kar liya hai. Abhi let's try to go ahead. So in this chapter, in this video, I'm still again with CVP analysis and basic decision making. And I'm going to be covering the following topics as such. First is hours of variable overhead. Second, spare capacity. Third, indifference point. And fourth, temporary shutdown point. So start kar lete hain. Welcome to the series. Let's continue. So now, where do hours of variable factory overheads come from? Yaad rakhna, variable factory overheads will be by default hours like electricity, something like that. और इलेक्ट्रिसिटी कब लगता है जब ये वर्कर काम करेगा सो देयरफॉर आर्स ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स अगर कुछ नहीं बोला हमेशा किधर से आने वाला है डायरेक्ट लेबर से ये वाला चीज याद रखना तो जो लेबर के आर्स होंगे वही वाले आर्स वेरिएबल ओवरहेड्स को अप्लाई हो जाएंगे अनलेस एंड अनटिल स्टेटेड अदरवाइज इन द क्वेश्चन ठीक है कुछ और दिया हुआ है फिर इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लो वरना ये वाला चीज आगे कभी भी कोई ऑर्डर आए इंश्योर कि आपके पास स्पेयर कैपेसिटी ऑर्डर के लिए हो अगर नहीं है तो आगे लिखा है इफ यू डू नॉट हैव स्पेयर कैपेसिटी यू विल हैव टू लूज समथिंग टू एक्सेप्ट दैट ऑर्डर इट इज कॉल्ड एज विच कॉस्ट योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी भी इस क्वेश्चन के अंदर वर्ड कैपेसिटी आ गया भूलना मत यू हैव टू टॉक ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट Remember, every order is indivisible. Example, कोई customer आया बोलता मेरे को 10,000 unit बनाकर देने का तुम लोग उसको ये नहीं बोल सकते मेरे पास spare capacity सिर्फ 8,000 का ही है मैं 8,000 unit ही बना के देगा ऐसा नहीं हो सकता है By default, every order is indivisible. या पूरा accept कर ले या पूरा reject कर ले अगर पूरा reject करने के लिए तेरे पास capacity नहीं है तेरे regular business से कुछ भी sacrifice कर दे यही चीज मैंने आगे वो लिखा हुआ है नॉर्मल प्रोडक्शन इज ऑलवेज डिविजिबल उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को याद आ जाए एग्जांपल ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपना कैपेसिटी 1 लाख आर्स का था ठीक है एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल प्रोडक्ट एक्स हम लोग नॉर्मली एक्स प्रोडक्ट वो बनाते हैं उसका कितना यूनिट्स बनाने वाला हूँ 40,000 ईच यूनिट ऑफ एक्स विल रिक्वायर कितना आर्स 2 आर्स And each unit of X gives 5 rupees का contribution, ठीक है? तो जरा सोचो, capacity 1 lakh है, X 40,000 units बनाओगे, every unit will be taking 2 hours, तो 1 lakh के अंदर से कितना hours चला जाएगा? 80,000. तो बेटा तेरे पास spare hours कितने बच जाएंगे? 20,000, ठीक है? और X तुम्हारा normal product है, हर unit बेच के 5 रुपया कमा लेता है. That is one thing. Second, special offer for Y. अभी एक suddenly एक दिन एक बंदा आया. वो मेरे को एक स्पेशल ऑफर देके गया स्पेशल ऑफर के अंदर क्या बनाने का है वाई वाई का कितना यूनिट्स 20,000 ईच यूनिट ऑफ वाई विल टेक 1.5 आवर्स तो एक मिनट 20,000 यूनिट्स बनाने के लिए इन ऑल कितना आवर्स लग जाएगा 30,000 ठीक है ईच यूनिट ऑफ वाई विल गिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 पर यूनिट तो चलो ठीक है Y के हर यूनिट से 2 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा इवेल्युएट वेदर टू एक्सेप्ट Y और नॉट बस Y एक्सेप्ट करने का है कि नहीं तो सुनो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले हमेशा क्या कर लेने का पहले सोच लो वाई से कितना कमाओगे ओके वाई का ऑफर है ना पहले सोचो वाई से कितना कमाओगे सर वाई का 20,000 यूनिट में बेचेगा सर हर यूनिट के ऊपर कितने रुपीस का कंट्रीब्यूशन में कमाएगा 2 रुपीस का ठीक है सो देयरफॉर कितना रुपीस का कॉन्ट्रीब्यूशन में कमा लेगा 40,000 ये वाला कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग किससे कमाने वाले हैं वाई से दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वाई पहले ये चीज ना इंडिपेंडेंटली हमेशा लिख लिया करो और फिर सोचो सर वाई कैसे बनाएगा सर क्योंकि वाई बनाने के लिए बेटा कितने आर्स की जरूरत पड़ जाती है 30,000 अभी 30,000 आर्स की जरूरत है तुम्हारे पास एक्स बनाने के बाद कितना आर्स बचा हुआ है सिर्फ 20 तो एक मिनट तुमको कितना आर शॉर्ट पड़ रहा है 10,000 तो प्लीज अभी ये वाला लाइन नहीं सोचना सर मैं नहीं बना सकता आपने बोला था दैट एवरी ऑफर इज इंडिविजिबल या पूरा एक्सेप्ट या पूरा रिजेक्ट कर ऐसा नहीं होता तो मैं तुमको क्या बोलता हूं तुमको कितने आर्स की जरूरत है 30 तुम्हारे पास कितना स्पेयर पड़ा हुआ है 20 तो अभी तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है एक ऑप्शन क्या है सैक्रिफाइस 10,000 आर्स फ्रॉम एक्स एंड प्रोड्यूस वाई बस
तो 10,000 आर्स हम लोग किधर से उठा लेंगे? एक्स बेटा, एक्स आप एक एक यूनिट बनाकर बेचता था मार्केट के अंदर। मैं सोच सकता हूं सर उसके ने से इतना नहीं बनाएगा, नहीं बेचेगा। ओके, तो 10,000 डिवाइडेड बाय ईच यूनिट ऑफ एक्स टेक्स कितना आर्स? 2। तो यू कैन ऑलवेज डिसाइड कि सर 5,000 यूनिट ऑफ एक्स बनाकर नहीं बेचेगा सर, ठीक है? तो 5,000 यूनिट ऑफ एक्स बनाकर मत बेचो। हर यूनिट के ऊपर कितना रुपीज कमाने वाला था? 5। तो कितना रुपीज विल बी लॉस्ट यार? 25,000 बस। तो दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वाई, दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट फ्रॉम एक्स बस। सो 15,000 विल बी योर रेलेवेंट गेन। अगर गेन है तो एक्सेप्ट कर लो, वरना रिजेक्ट कर लो, ठीक है? चलो, ये वाला जो काम है तुम्हारा हो गया, दिस इज वन थिंग। उसके बाद कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट। कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट, तुम्हारे पास पेट्रोल कार है जिसका फिक्स्ड कॉस्ट कम होता है लेकिन रनिंग कॉस्ट ज्यादा होता है। रनिंग कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट। तुम्हारे पास डीजल कार है जिसका फिक्स्ड कॉस्ट यूजुअली थोड़ा सा ज्यादा होता है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कम होता है। ऐसे केसेस के अंदर एक इंडिफरेंस पॉइंट आता है जहां पे टोटल कॉस्ट हमेशा सेम हो जाता है। या इक्वेशंस बना के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम लोगों ने इक्वेशंस को फॉर्मूला के अंदर भी कन्वर्ट कर लिया था। एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेविंग्स इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, इट ओनली कम्स व्हेन अंडर वन ऑप्शन वेरिएबल कॉस्ट इज लोअर एंड अंडर द अदर ऑप्शन फिक्स्ड कॉस्ट इज लोअर। यार ना, इंडिफरेंस पॉइंट तभी आ सकता है जब एक जगह पर एक कॉस्ट कम है, दूसरी जगह पे दूसरा कॉस्ट। अगर सपोज कोई एक थर्ड ऑप्शन भी है जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट भी कम है, वेरिएबल कॉस्ट भी कम है, तो बेटा फिर तो टोटल कॉस्ट हमेशा कम ही होएगा। फिर वहां पे इंडिफरेंस पॉइंट कभी भी नहीं आएगा, बिकॉज दैट ऑप्शन विल ऑलवेज रिमेन अ बेटर ऑप्शन देन द अदर ऑप्शंस। ठीक है, चलो आगे। इफ द नंबर ऑफ यूनिट्स first is equal to indifference point, okay, then you can go for any option क्योंकि तुम्हारा cost same हो जाएगा। greater than indifference point, go for the option with obviously lower variable cost per unit, and lesser than indifference point, go for the option with obviously lower fixed cost। ये तुम्हारा indifference point का funda। indifference point silently can help you in solving many other questions also, हम लोगों ने क्लासरूम के अंदर कर रखे हैं। आगे, ब्रेक ऑफ ओवरहेड्स इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अभी ये चीज भी एग्जाम्स के अंदर विल बिकम क्वाइट कॉमन। तुमको क्या करके दे सकते हैं? सपोज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, थोड़ा फिक्स्ड होता है थोड़ा वेरिएबल होता है, कंबाइन करके टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को दे दिया, ठीक है? और फिर तुम लोग पता लगाओ उसका फिक्स्ड पार्ट कितना है, वेरिएबल पार्ट कितना है। अगर दुनिया में सिर्फ दो ही कॉस्ट हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, और अगर वो चेंज नहीं होते मतलब फिक्स्ड कॉस्ट लमसम के अंदर सेम रहता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है, तो आप लोग एक चीप ट्रिक भी यूज कर सकते हो। ये चीप ट्रिक हम लोगों ने बहुत क्वेश्चंस के अंदर किया था। तो आप लोग वेरिएबल ओवरहेड्स निकालने के लिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो? चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। ये वाला चीज कर लो, उसके बाद तुमको वेरिएबल वाला पार्ट मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूट करके फिक्स्ड वाला पार्ट भी मिल जाएगा, ठीक है? आगे, दिस ओनली वर्क्स इफ द टू अजम्पशंस आर मेट, फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट। लेकिन जरा सोचो, इफ अबव अजम्पशंस आर नॉट मेट, देन अगर ऊपर वाला अजम्पशंस मीट ही नहीं हुआ तो, ठीक है, तो फिर इक्वेशंस बना के आंसर निकाल लेना। इक्वेशन कैसे बनाओगे? 11th स्टैंडर्ड की बात है यार। टोटल ओवरहेड्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। एग्जांपल देता हूं, सपोज तुम्हारा टोटल ओवरहेड्स 2,00,000 रुपए का था, तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट एक्स था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तुम्हारा वाई था, सपोज 10,000 यूनिट थे। सामने क्या बोला, एक और केस है जहां पे टोटल ओवरहेड्स 2,60,000 है लेकिन उधर फिक्स्ड कॉस्ट 5% ज्यादा है, तो यहां पे एक्स लिया हुआ है ना, 1.05x वो ले लेना, दैट इज वन थिंग। और वहां पे एक और चीज भी बोला गया है, वेरिएबल कॉस्ट 2% कम है बिकॉज यू विल बी ऑपरेटिंग एट अ लार्जर स्केल, तो उधर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तुम्हारा 2% कम है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 0.98। और सपोज दिस इज द ओवरहेड्स एट 12,000 यूनिट्स। ओके, सो देयरफॉर बस सॉल्व कर लेना, तुम लोग को आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है? तो याद रखना, यहां पर ना क्या हुआ कि फिक्स्ड कॉस्ट सेम नहीं रहा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं रहा, तो फिर आप लोग इक्वेशन बना लेना ऐसे और अपना बाइफर्केशन कर लेना, ठीक है? चल, ये वाला पार्ट हो गया, इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है? लेट्स प्रोसीड अवे विद द नेक्स्ट पार्ट नाउ। सुन, टेम्परेरी शटडाउन पॉइंट, कभी कभी
बहुत सारे बिजनेसेस का बुरा टाइम आता है तो वो लोग सोच लेते हैं थोड़े पीरियड के लिए फैक्ट्री बंद कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस के अंदर तुमको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सर कितना मिनिमम सेल्स हो ताकि हम लोग धंधा कंटिन्यू करें और चलाए नहीं, ठीक है। बस इतना ज़रा याद रखना, अगर आप लोग टेम्प्रेरी बंद कर रहे हो ना तो आपके एक फिक्स्ड कॉस्ट पूरे के पूरे बंद नहीं हो जाएंगे, शायद वेरिएबल कॉस्ट तो कम हो जाएंगे, यहाँ बंद ही हो जाएंगे क्योंकि मटेरियल नहीं लगेगा, लेबर नहीं लगेगा, लेकिन सोच फिक्स कॉस्ट तो लगेंगे। मैं 2 महीने के लिए अगर क्लास बंद रखता हूँ तो भी रेंटल्स तो पे करेगा, ओके, ऑब्वियस बात है, स्टाफ को थोड़ा बहुत वो सैलरी तो देगा। तो व्हाट इज टेम्प्रेरी शटडाउन पॉइंट, कितना मिनिमम सेल्स हो ताकि इट इज़ बेटर फॉर यू टू कंटिन्यू इंस्टेड ऑफ शटडाउन। वो जो मिनिमम सेल्स है दैट विल बी कॉल्ड एज टेम्प्रेरी शटडाउन पॉइंट। फिर से रिपीट करता हूँ, कितना मिनिमम सेल्स हो ताकि इट इज़ बेटर फॉर यू टू कंटिन्यू इंस्टेड ऑफ शटडाउन, दैट थिंग इज कॉल्ड एज टेम्प्रेरी शटडाउन पॉइंट। तो टेम्प्रेरी शटडाउन पॉइंट फॉर्मूला इन रुपीज, हम लोगों ने क्या किया था, एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ कंटिन्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अगर आंसर रुपीस के अंदर चाहिए, अगर आंसर यूनिट्स के अंदर चाहिए, ऑब्वियसली इसके बदले में क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ओके। एंड अकॉर्डिंगली आपके यहाँ पे 2 फॉर्मूला बन गए, ठीक है। आगे, इफ़ द एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर द पीरियड इज, अगर तेको लगता है धंधा चला के एग्जैक्टली उतना ही सेल्स होगा जितना टेम्प्रेरी शटडाउन पॉइंट है, देन फाइनेंशियली यू विल बी इनडिफरेंट, दैट इज वन थिंग। अगर ग्रेटर देन टेम्प्रेरी शटडाउन पॉइंट होएगा, ऑब्वियसली देन यू शुड कंटिन्यू ओनली नो यार, क्योंकि फिर अपने लॉसेस कम हो जाएंगे क्योंकि सेल्स उससे ज़्यादा हो रहा है। लेस देन टेम्प्रेरी शटडाउन पॉइंट, ऑब्वियसली यू शुड शट डाउन फॉर द पीरियड। लेकिन सुनो, बिफोर यू शट डाउन, यार ना, शट डाउन डिसीजन इज अ वेरी बिग डिसीजन। बीच में 1-2 साल अगर तुम लोग सोचते हो सर लॉसेस कम करने के लिए हम लोग कंपनी को बंद कर देगा, तेरा गुडविल लूज होएगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। यहाँ पर मैंने वो वाला पॉइंट वो नहीं लिखा बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्पीक दैट। याद रखना, गुडविल से बड़ा दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ नहीं फॉर। एक बार नाम खराब हो गया इन द बिजनेस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर। तो एक गुडविल तो अपने को बात करने का ही है। दूसरा, ऑल्सो थिंक अबाउट योर वर्कर्स, थिंक अबाउट 1-2 सालों के लिए बंद हो जाएगा, हमारे लॉयल कस्टमर्स का क्या होगा, वो लोग तो कॉम्पिटिटर के पास वो चले जाएंगे, और फिर अगर मैं 2 साल के बाद कभी वापस भी आया वो लोग मेरे पास थोड़ी आएगा। आगे, डिफिकल्ट टू एंटर मार्केट अगेन, तुम 2 साल तक मार्केट से गायब रहेगा, फिर वापस आएगा तो वो शाणा बनेगा, एवरीबडी विल कम बैक टू यू क्या अगेन? नो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीस्टार्ट योर बिजनेस बेटा। वंस यू आर नॉट इन द मार्केट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू पेनिट्रेट अगेन। आज नोकिया की वाट लगी हुई है टू एंटर द मार्केट अगेन, एक टाइम पे मोर देन 90% ऑफ द शेयर वॉज विद देम यार, ओके। ऑब्वियसली 2-3 साल अगर फैक्ट्री बंद रहा, चलो 3-4 महीने भी बंद रहा, प्लांट एंड मशीनरी खराब हो जाएगा, रस लग जाएगा। और अगर तेरे पास कुछ मटेरियल वर्किंग कैपिटल, मतलब जो भी तुम्हारा रॉ मटेरियल यूज होता है, वो अगर पड़ा हुआ है तो वो भी खराब हो जाएगा फिर, ओके। सो बिफोर यू शट डाउन, ये सब चीज़ें प्लस गुडविल के बारे में हमेशा सोच लेने का बिफोर यू फाइनली डिसाइड, ठीक है। दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो। We had just learned temporary shutdown point important, how to break cost into fixed and variable, cheap trick and equation wala thing. So this thing you all try to remember, okay. I'll see you all in the next video. Bye.